बड़ा हुआ सीमा अपने अस्तित्व के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना देना चाहती थी। तभी उसने अपनी सास को जवाब देना चालू किया। माँ जी, मैं ही क्यों चुप रहूं? गलती ना होते हुए भी आप मुझे ही चुप करवा रही हो। कभी अपने बेटे को भी कह दिया करो कि औरतों का सम्मान करना जरूरी है, फिर वो किसी भी रूप में हो। बस कर, मुझे कहना था, मैंने कह दिया, अब और तेरी इच्छा। अनु जी ने कहा, अब बात को ऐसे यहाँ पर खत्म नहीं कर सकती, आपकी तरफदारी ही उनको बढ़ावा देती है। सीमा ने कहा, देख सीमा, घर की शांति चाहती है तो दोनों में से एक को चुप रहना होगा, वरना घर को अखाड़ा बनते देर नहीं लगेगी। वही तो मैं पूछ रही हूँ माँ जी, मैं ही चुप क्यों रहूं? तू उसे कुछ बोलेगी और वह बात को बढ़ा देगा। इससे अच्छा बात को खत्म करने के लिए औरतों को ही चुप रहना पड़ता है। मतलब अब मुझे ही चुप करवाएगी, अपने बेटे को नहीं? उन्हें नहीं समझाएगी किस तरह से चुप रहा जाए? बात को बढ़ाए ना, वो कुछ भी बोलकर औरों से रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें समझाने वाला कोई नहीं। आज अगर आप समय रहते उन्हें समझाती या चुप रहने को कहती तो ये बातें इतनी ना बढ़ती, क्योंकि आपका बेटा तो अपने अहम में बढ़े जा रहा है और ना जाने कितनी बार और मेरे अस्तित्व को दुख दे जाएगा, क्योंकि हर बात में मुझे ही चुप रहना है। सीमा ने हताशा और निराश होते हुए कहा, देख सीमा, अगर तुझे यहाँ रहना नहीं जम रहा है तो तू जा सकती है अपनी मन मर्जी से, तुझे कोई नहीं रोकेगा। अनुजी ने कहा। ये क्या बात कह दी माँ जी अपनी, मैं चली जाऊँ क्यों? शादी करके आई हूँ, कोई ऐसी ही नहीं आ गई जो मैं चली जाऊँ। आपको ऐसी बातें शोभा देती है कि आप अपनी बहू से कहे? यही बात अपने बेटे को कहकर देखेगा, हिम्मत ही नहीं होगी आपकी। आंखों में आंसू ने जगह ले ली थी। तो तू चाहती क्या है? तुझे यहाँ सुकून नहीं तो चले जाने के लिए कहा ना। वाह माँ जी, कैसे अब एक औरत होकर औरत को नहीं समझ रही, क्योंकि बेटा आपका है और बहू प्राय घर की। अब मैं आपसे कौन से उम्मीद रखूं? आप तो सिर्फ बेटे की माँ ही है, बहू की माँ कभी ना बन पाई। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचती कहती है, अब मैं भी अपनी मन की सुनूंगी और हाँ, गलत के प्रति चुप बिल्कुल भी नहीं रहूंगी, कहकर वहाँ से चल दी। साथ जाते हुए अपने अंतर मन में जरूर अनुभव कर रही थी भेदभाव होते, लेकिन अपने बेटे के गलत बातों को नाकार भी ना पाई। आशा करती हूँ आपको स्टोरी पसंद आई हो, तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।